हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज करूंगा शाओमी CC9 और Mate 30 Pro का चार्जिंग टेस्ट। बैटरी है शाओमी CC9 Pro में 5260 mAh की, वहीं Mate 30 Pro में है 4500 mAh की बैटरी। चार्जर मिलेगा 30 वॉट का CC9 Pro में, वहीं हुआवे Mate 30 Pro में मिलेगा आपको चार्जर 40 वॉट का। शाओमी ने जब ये लॉन्च किया तो कहा था उन्होंने कि हमारा 30 वॉट का चार्जर और 5260 mAh की बैटरी ज़्यादा तेज़ है हुआवे Mate 30 Pro के 40 वॉट के चार्जर और 4500 mAh की बैटरी। तो भाई देखा जाए तो हुआवे Mate 30 Pro के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि चार्जर भी ज़्यादा फास्ट है और बैटरी भी कम है। मगर देखते हैं आज के टेस्ट में कि शाओमी बीट कर पाता है या नहीं। अगर कर देगा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से शाओमी का 40 वॉट का चार्जर फास्ट है Mi 9 Pro में, और ये नया चार्जर नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। तो आज हम करेंगे टेस्ट, देखेंगे कितना जल्दी टेस्ट होता है। 0 to 100% ये टेस्ट है, तो मैंने फ़ोन ऑन करके करूँगा, वाईफाई या सारे ऐप्स क्लियर करके देखेंगे क्या है। तो हमारा टेस्ट शुरू हो गया, करता हूँ फ़ोन को ऑन। शाओमी ने कहा था कि हमारा फ़ोन 65 मिनट पे 0 to 100% चार्ज हो जाएगा, वहीं हुआवे Mate 30 Pro होता है चार्ज 73 मिनट्स में। तो देखते हैं किसका दावा ज़्यादा सही है और कौन ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने भाई सारे फ़ोन्स की रैम और सब कुछ ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कर ली है दोनों फ़ोन्स में, और रैम क्लियर कर दी है। वैसे मैं CC9 Pro का कर रहा हूँ गिव अवे, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको ऊपर आई में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल में देख सकते हैं CC9 Pro का गिव अवे ऑन हो गया है, 24 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो भाई अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को, मे बी आप लकी हो, लकी वैसे एक ही होगा। तो भाई 20 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारा CC9 Pro 35% चार्ज हो गया है, वहीं हमारा Mate 30 Pro 47% चार्ज हो गया है। तो भाई कह सकते हैं स्पीड बढ़िया है दोनों फ़ोन्स में, क्योंकि CC9 Pro की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा है 5260 mAh की, मगर Xiaomi का दावा मुझे यहाँ गलत दिखने लग गया है कि भाई ये 65 मिनट में चार्ज कर देगा 100% या नहीं। बाकी देखते हैं अभी 40 मिनट पड़े हैं क्या होता है। तो यहाँ हमारे हो गया है आधा घंटा, 30 मिनट्स हो चुके हैं, देखते हैं बैटरी कितनी रह गई है। तो CC9 Pro की है 54%, वहीं Mate 30 Pro की है 69%। तो Mate 30 Pro तो भाई स्पीड में चार्ज हो रहा है और हमारा Xiaomi भी लगा है रेस में, देखते हैं क्या होता है बाद में। तो यहाँ एक घंटा होने को आ गया है और हमारा CC9 Pro काफ़ी पीछे है हमारे Mate 30 Pro से। तो मेरे हिसाब से 65 मिनट्स जो Xiaomi ने कहा था वो 100% चार्ज नहीं हो पाएगा, बाकी देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। वैसे चार्जिंग स्पीड काफ़ी बढ़िया है, 85% आ गई है बैटरी, मतलब 5000 से ऊपर बैटरी आप देख सकते हैं। CC9 Pro 85 और हमारा Mate 30 Pro 97%। तो Mate 30 Pro मेरे हिसाब से ईजिली जीत जाएगा इस कंपैरिजन में। तो भाई CC9 Pro का दावा निकला गलत। तो लास्ट 11 मिनट में CC9 Pro 6% चार्ज हुआ है, वहीं हमारा Mate 30 Pro सिर्फ 2%। तो 92-96% बहुत जल्दी चार्ज कर रहा है CC9 Pro। तो देखते हैं Mate 30 Pro कब तक गया। Mate 30 Pro हो गया 100% चार्ज 1 घंटा 12 मिनट में, तो कंपनी कहती है 73 मिनट्स, तो ये 72 मिनट्स में पूरा चार्ज हो गया। तो टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, तो भाई 30 डिग्रीज के पास आ रहा है और यहाँ पर भी 31, तो हीटेड अप नहीं हुआ फ़ोन, ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे, 100% चार्ज है। तो देखते हैं हमारा CC9 Pro कब तक होता है पूरा चार्ज, 65 मिनट्स वाला नहीं हो पाया, देखते हैं कब तक होता है पूरा चार्ज। तो 99% आ गया है, नियर अबाउट 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं ये कब खत्म। तो मेरे हिसाब से बढ़िया 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में हमारा CC9 Pro पूरा 100% चार्ज हो गया, मेरे को बढ़िया लगा भाई। 5260 mAh की बैटरी और सिर्फ 30 वॉट का चार्जर। टेम्परेचर देख लेते हैं, 34 डिग्रीज के पास है और यहाँ 36 मैक्सिमम, तो ज़्यादा हीटेड अप फ़ोन नहीं है, बैटरी बहुत बड़ी है। तो मेरे हिसाब से टाइम बढ़िया है, मगर 65 मिनट्स का दावा नहीं सही हुआ, मगर मेरे हिसाब से वर्थ है। Mate 30 Pro नियर अबाउट 60,000 का फ़ोन है, ये 28,000 का, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं सिर्फ 8 मिनट का डिफरेंस है, बैटरी भी CC9 Pro की ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।